को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्रांत प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्यारा है हर मजहब का एनमाट है, हम सब सुबह है एनमाट आमचा आहे। एनमाट हम सबका, हर एक दिल में रहता है, सांस सांस में बहता है, संग रहता है पहर पहर। एनमाट शुधु আছে আমাদের হম সবকে বিশ্বাস কা দর্পণ এক এহসাস কা সবকি আঁখ কা তারা ছে এনমাট হামারো ছে। पहचान है ये दुनिया नई बसा दी, एनमाट बना दी। हम सबका। नमस्कार मित्रों, एनमाट के सफर के एक नए एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत। दोस्तों, एक नई चैनल पे, एक नए प्लेटफॉर्म पे एनमाट का सफर फिर से शुरू हो चुका है और मुझे इस चैनल के बारे में भी बहुत अच्छे प्रतिसाद मिल रहे हैं। लोगों को कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा समस्या हुआ करती थी, बट इस चैनल के साथ जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें मिल रहा है वो है इस चैनल की कनेक्टिविटी का। ये चैनल सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और उसी वजह से ज़्यादा लोग आज एनमाट का सफ़र देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हमारे सीएम ऋषि गोपाल जी के पास और उनसे ही जानते हैं नई अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, जैसे पिछली बार आपने एपिसोड में देखा, हमने दिखाया आप सब चीज कि प्रोडक्ट बेस पे ही हमको ध्यान देना है, काफी फ्रेंचाइजी चालू हो रही है। दोस्तों, दो चीज बता देना चाहता हूं मैं आपको। मेरा काम है प्रोडक्ट ढूंढना और प्रोडक्ट ढूंढ के आप तक पहुंचाना। बीच में मैंने आपको कहा था कि हम लोग काफी तलाश में है कि आज के दिन में 99% लेडीज की प्रॉब्लम है हेयर फॉल, अने इनफैक्ट आजकल तो जेंट्स लोगों की भी प्रॉब्लम है हेयर फॉल। मैं एक ऐड देखता हूं कि मेरी जिंदगी के दिन खूब चले गए हैं, मैं बाल नहीं रोक पाया और मैं अभी गंजा हो गया हूं, तो उसके लिए अपन पहले से अगर केयर कर लें तो ज्यादा बेटर है। ऐसे हेयर फॉल नहीं हो करके प्रोडक्ट हमने एक फर्स्ट क्लास कंपनी है जो बरसों से काम कर रही है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि हेयर फॉल ना हो और अच्छे से अच्छी हेयर टॉनिक हो जो लोगों के बालों में काम आवे। उसका एक साबुन भी है, ऑयल भी है, वैसे आप देख रहे हो एक मसाज ऑयल है। ये काफी प्रोडक्ट के किट बना के हम लोग अभी देने वाले हैं। दोस्तों, ऑयल जिंदगी का एक सबसे बड़ा सच है, लेकिन आज हम लोग उसको मुकर रहे हैं क्योंकि हमारे बाल में चिकनास हो जाती है। इसलिए लोग क्या, बाल थोड़े घूमते दिखने चाहिए, उड़ते दिखने चाहिए,
तो उसको तेल नहीं लगाते। तेल लगाने से बालों की ग्रोथ भी होती है और बालों को जो प्रॉब्लम्स होती है उससे आप सेफ होते हो। इसलिए हेयर ऑयल, ये एक बाम है छोटा सा, ये बाम भी हमने तैयार किए हैं। वो कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है। मुझे लगा कि उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं इसलिए उनको मैं खुद इस्तेमाल किया पहले। एक हमारी चाय है मस्तानी चाय, जो ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो, वैसे एक दूसरी चाय और हम लोग लेके आए हैं। आपको 100% टेस्ट लगेगा, मैंने टेस्ट किया है दोस्तों। प्रोडक्ट बेस्ड मैंने पहले भी आपको बोला है कि हेल्थ केयर, घर की जरूरत की चीजें उनमें काम करना और उस काम को आगे बढ़ाना, ये आप सबकी सहमति और सहयोग की भी जरूरत है दोस्तों। दो चीज बता देता हूं आपको, कठिनाई कितनी भी बड़ी हो उसको पार करने के लिए आपको डट के खड़ा रहना पड़ता है और मैं उनमें से एक हूं। मेरे साथ आपका अगर स्नेह है प्रेम नहीं होता तो शायद मैं भी टूट जाता, लेकिन आपका विश्वास कायम रहा है, आप लोगों ने खूब मदद की है। हमारी एमपी की टीम, बीपी शर्मा जी हैं, वेस्ट बंगाल की टीम पूरी, कौशिक दा की पूरी टीम है, दीपक जी की टीम है, वैसे ही हमारे ईस्टर्न में लुमडिंग मॉल वाले हैं, वैसे हमारे झारखंड के लोग हैं, तो सब जगह जहाँ जहाँ मॉल चालू हुआ महाराष्ट्र के लोग हैं, मीरठ चालू गया, कराड़ चालू हो रहा है, कर्नाटका में चालू हो रहा है, भी रघुपति की टीम है, काफी लोग काम करें दिल से। और मैं गारंटेड बोलता हूं, जिंदगी में कोशिश करना ही चाहिए, असफल तो होता ही नहीं है जीवन में कोई। नेल्सन मंडेला साहब ने एक बात कही थी अपनी जीवन की कथा में कि मैं कितना सक्सेसफुल व्यक्ति हूं इसके बारे में मत जानो, ये जानो कि मैं कितनी मुसीबतों से लड़ा हूं और कितनी बार गिरा हूं। मैं उनकी गाइडलाइन पे चलता हूं। सक्सेसफुल होना तो स्टॉप है लाइफ का, मुझे स्टॉप नहीं करना है, मुझे एवरीडे नया वेंचर करना है, मेरी टीम्स को मोटिवेट करना है, मेरे परिवार के लोगों के साथ जिंदगी बितानी है। आपकी खुशी में मेरी खुशी है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि गोपाल जी ने अभी हमें बताया कि किस तरह कंपनी हम लोगों के बारे में सोच रही है, मुझे इन प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी डिटेल्स मिली हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी को इन प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल देता जाऊंगा। दोस्तों एनमार्ट का हमेशा से ही उद्देश्य रहा है कि अपने मेंबर्स को हमेशा ही अच्छे और गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट मुहैया कराए जाएं, और वो प्रोडक्ट जो आपकी सेहत से जुड़े हों अगर वो आपको मिलते रहें एनमार्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू तो और भी क्या कहना। इस एपिसोड में मैं आपको सिलसिलेवार उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। दोस्तों जो सबसे बड़ी रेंज एनमार्ट ने अभी इंट्रोड्यूस की है वो है हेयर केयर की रेंज। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज बालों को सुंदर दिखाना और बालों को संवारना इस देश की एक बहुत पुरानी परंपरा रही है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम अपने बालों को अच्छा तेल लगाएंगे, अच्छा नरिशमेंट देंगे, तो हम भी लहराते और खूबसूरत बालों के मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने हेयर केयर के दो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। पहला प्रोडक्ट है केश राशि आयुर्वेदिक केश तेल। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद के गुणों के बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, आयुर्वेद के चमत्कार से हम सभी के बाल लहराते और घुंघराले हो सकते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप सबके लिए पेश किया जा रहा है केश राशि आयुर्वेदिक केश तेल। हेयर केयर की इसी रेंज को आगे बढ़ाते हुए दूसरा प्रोडक्ट है हेयर एंड ग्लो। जी हाँ दोस्तों, मतलब बाल और वो भी चमकते हुए, हेयर एंड ग्लो। हेयर एंड ग्लो बहुत ही स्पेशल फॉर्मुलेशन से बनाया हुआ एक ऐसा उत्पाद है जो हमारे बालों को परंपरागत तरीके से पोषण भी देता है और उनको चमकदार भी बनाता है। हेयर केयर रेंज का सबसे बड़ा और तीसरा प्रोडक्ट है आमला हेयर ऑयल। जी हाँ दोस्तों, हम सभी मेंबर्स की तरफ से बहुत सारे फीडबैक कंपनी को जाते हैं, इसीलिए कंपनी ने हेयर केयर की एक ऐसी रेंज निकाली है, एक ऐसा ऑफर किया है जिससे कि सभी वर्गों को, चाहे कि वो ओल्ड एज हों, यंग हों, पुरुष हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, सभी के लिए हेयर केयर की एक कंप्लीट रेंज मिल जाए तो और क्या कहना। आमला उसी कैटेगरी का एक और प्रोडक्ट है। दोस्तों घर में सब तरह के लोग होते हैं, उसी तरह अगर सब तरह का ऑयल एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर हमको मिलने लगे तो उससे बेहतर और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो हेयर केयर की इस रेंज का तीसरा प्रोडक्ट है आमला हेयर ऑयल। दोस्तों हेयर केयर का अगला प्रोडक्ट है केश राशि हेयर कंडीशनिंग शैम्पू। जी हाँ दोस्तों अगला प्रोडक्ट है बाम। जी हाँ,
आज बाम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत के हर घर में जरूरत का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हर घर में आपको बाम की एक शीशी जरूर मिलेगी, और अगर स्ट्रांग और पावरफुल बाम आपको मिल जाए तो क्या कहना। हम सभी लोग इस गर्मी में दिन भर काम करते हैं, ठंडे गर्म में आते जाते हैं, इससे कभी सिर दर्द, कभी बदन दर्द और बहुत सी हमको समस्याएं होती हैं। इन सभी का एक निदान है और वो है बाम। इस बाम की छोटी सी शीशी को लेकर आप अपनी बैग में भी रख सकते हैं और आप इसको कहीं भी ट्रेवल में भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हेयर केयर के बाद अब हम आते हैं बॉडी केयर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी दो रेंज अलग अलग हैं, एक है केश राशि, तो केश राशि का हेयर ऑयल मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया। अब केश राशि ही हमारा है सोप, केश राशि हर्बल सोप। इस साबुन की खासियत भी वही है जो हेयर ऑयल की थी, यह भी एक पूर्णतया आयुर्वेदिक उत्पाद है, यह हमको कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचाता। दोस्तों, बॉडी केयर का अगला प्रोडक्ट है हेयर एंड ग्लो परफ्यूम्ड ब्यूटी सोप। जी हाँ दोस्तों, यह उन यंग जनरेशन के लोगों के लिए खास तौर से बनाया गया है जो कि पुराने तरह के साबुन यूज करना नहीं चाहते, या जो ये मानते हैं कि आयुर्वेदिक साबुन में खुशबुएं कम होती हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक स्पेशल प्रोडक्ट कंपनी ने आगे बढ़ाया है जिसमें खुशबू के साथ साथ आपको वो सभी गुण मिलेंगे जो कि एक बहुत बढ़िया साबुन में होते हैं। दोस्तों, आप और हम अपने दिन की शुरुआत बगैर चाय के नहीं करते, और इसी सोच को देखते हुए कंपनी ने आज हम सब के लिए वो बेहतरीन उत्पाद दिया है जिसको कि हम भारत देश से अलग कर ही नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, और वो है चाय। हमारी नोबेल प्रीमियम टी एक ऐसा उत्पाद है जो कि घर घर में कंज्यूम होता है और हर घर की एक ज़रूरत है। और जैसा कि गोपाल जी ने हमेशा से ही हमें बोला है कि वो कभी भी FMCG की पूरी रेंज से अलग नहीं होंगे, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपको दिया जा रहा है ये चाय का पैकेट। तो दोस्तों, इस चाय को घर पे बनाइए और अपना दिन खुशनुमा बनाइए। दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं गोपाल जी की तरफ फिर से एक बार, और देखते हैं कि वो अभी हमें और क्या बताना चाहते हैं। एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ हिंदुस्तान के पूरे कोने में जिन जिन लोगों को अर्थक्वेक की प्रॉब्लम हुई है, उनके परिवार को, और पूरे भारतवर्ष को, पूरे नेपाल के लोगों को। हम लोग एनमार्ट परिवार तहे दिल से उनके साथ हैं, तन मन धन से तथा शक्ति यथाभक्ति जो भी एनमार्ट परिवार की तरफ से होगा, हम आपके दुख में आपके साथ हैं। भगवान ना करे कि एक कुदरती कहर और किसी पे दोबारा ना आवे। वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब खूब सक्षम हैं और इस मुसीबत को लड़ने के लिए उनको बहुत अच्छे उपाय हैं, क्योंकि गुजरात का मॉडल चेंज हो गया था जब उन्होंने इस मुसीबत में गुजरात में कच्छ में लड़े थे। आज मॉडल बदली हो गया, तो वो देश का 100% मॉडल बदली करेंगे, और उनके साथ रहना, हम लोग उनके साथ हर सहयोग में उनके साथ है। ऐसे एनमार्ट के परिवार के सभी लोगों से मेरी विनती है कि ऐसे काम में हमेशा आगे रहना, मैं तो आपके साथ हूँ। दोस्तों, मुसीबत कितनी बड़ी हो, उसको लड़ने की ताकत अपने अंदर है तो अपन उससे निकल जाएंगे बाहर। तकलीफ एक बार आती है, लेकिन उसके लिए लड़ने के लिए कॉन्फिडेंस तो पूरे जीवन आपको रखना पड़ता है। तकलीफें निकल जाएगी, बहुत सी चीजें अपने भी पास हो गई है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी चल पड़ी है, आज कंपनी अपना काम कर रही है, कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट के अच्छे डिसीजंस भी आने वाले हैं। हमें तो 100% सरकार पे भरोसा है, आज नहीं तो कल हम लोग जितने लोग हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में काम करने वाले, उनका कोई ना कोई रास्ता गवर्नमेंट जरूर करेगी। दोस्तों, दो चीज बता देता हूं मैं आपको, कोशिश तो करनी पड़ेगी, बिना रोए बिना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। बच्चा जब तक नहीं रोता है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। खेल रहा है ना तो खेलने दो, हमारा काम है रजूआत करना और उनका काम है उसका बेनिफिट देना। दोस्तों, दो चीज बता देता हूं आपको, मैंने पिछले एपिसोड में आपको एक बात कही थी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आए कि आप एनमार्ट हमको दे दो और आप उसके ब्रांड नेम के पैसे ले लो। मैंने उनको दो कंडीशन रखी थी जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको कही है, कि मेरे 16 लाख कस्टमर की प्रॉब्लम, उनके कूपन्स, उनके जो जो कमिटमेंट कंपनी ने किए हैं, अगर वो आप पूरे करने के लिए सक्षम हो तो मुझे लिख के एग्रीमेंट दे दो, मैं आपकी कंपनी में नौकरी करने को तैयार हूँ। मुझे मेरे लिए जीना नहीं है, भगवान ने मुझे मेरी औकात जितनी थी उससे कहीं ज्यादा सुकून दिया है, मैं खुश हूं। लेकिन मेरे 16 लाख लोग जो मेरे पे भरोसे पे बैठे हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरी बहनें जुड़ी हुई हैं, वो सब मेरे साथ हैं और उनके लिए मैं नैया पार करने के लिए सब काम कर रहा हूं। एक बात और बता देता हूं आपको, अफवाह क्या है मैं उस पर ध्यान नहीं देता, कौन क्या बोलता है, लोगों का काम है बोलना।
मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कि लड़की आपके घर में जवान होती है और पड़ोसी पूछता उसकी शादी की जद कोई बातचीत चल रही है क्या, तो टेंशन पड़ोसी रहता है। ऐसे मेरे भी वेल विशर बहुत ज्यादा है कि तकलीफ आ रहा मुझे है, काम धंधा मैं कर रहा हूँ, तकलीफ उनको होती है। अच्छा और बुरा, आपके बारे में कोई बुरा बोलता है तो धन्यवाद का पात्र है कि आपकी कमियां आपको बताता है। तो ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ जो मेरे बारे में अच्छे सोचते हैं। सोच अच्छी रखो तो इरादे आप, और मैं जो उनकी चिंता भी नहीं है, मैं मेरा काम कर रहा हूं, मेरी टीम मेरा काम कर रही है, हम लोग अपने आप आगे बढ़ेंगे। कठिनाई है, परेशानी है, लेकिन रास्ता जरूर है, स्टॉप नहीं है, आप ध्यान रखना। ऐसा आप बोलते ज्योतिष शास्त्र, आपका ग्रह खराब होगा, आपके ग्रह खराब हो गए, आपके समय खराब हो गए, कंपनी का नाम बदल दो। तो राम की भी राशि एक थी, रावण की भी राशि एक थी, दोनों की राशि तो एक थी। अगर ग्रह खराब होते तो दोनों के होते तो दोनों में एक विजय और एक हार कैसे गया, राशि तो दोनों की एक थी ना। बिलीव उस चीज पे करो जो कायदे की चीज है। अपना काम है भगवान से प्रार्थना करना, भगवान की प्रार्थना करके उस चीज को आगे बढ़ाना, ये अपना कर्तव्य बनता है। जितने शॉपिंग मॉल चालू हो रहे हैं, जितने फ्रेंचाइजी वाले मॉल चालू कर रहे हैं, उनको मैं एक बार बोलता हूं, आपको संयम रखना है, आपको संयम, आपका पूरा कॉन्फिडेंस कायम रखना है। आपको 2-4-6 महीने में गाड़ी पूरी ट्रैक पे आके आप आराम से काम कर पाओगे दोस्तों, और काम कर पाओगे नहीं, आप जिस टारगेट में हम लोग आज बैठे हैं वो टारगेट हम लोग पूरा कर पाएंगे। थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है। क्या होता है कई बार 99% काम हो जाता है, 1% पटक जाता है। आप चिंता मत करो, 1% भी अपन पार करेंगे। जब 90% एक हर्डल्स पार कर दिया ना, तो दूसरा इजीली हो जाएगा, तीसरा और इजीली हो जाएगा, फिर हर्डल्स पार करना इजी हो जाएगा तुम्हारी। अगर आपका कॉन्फिडेंस पक्का है तो अपन 100% हर्डल्स पार करेंगे। ये प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका किट बना रहे हैं पूरा एक, हमारी टीम्स के कुछ ऑफर चल रहे हैं इस टाइम, जितना जो माल बेचेगा उसको उतने बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ऑफर के अंदर ये किट आ गए हैं, आने वाले एपिसोड में आपको दूसरे और कई किट दिखा रहा हूं मैं जो आप तक पहुंचा रहा हूं। मित्रों, गोपाल जी के विजन को आपको समझना चाहिए। आज ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अगर कोई सबसे बड़ी चीज है तो वो है मोबाइल ऐप, और गोपाल जी ये चाहते हैं कि हम अपने मोबाइल से ही धीरे धीरे सारी शॉपिंग, सारे अपने जरूरी कामकाज कर सकें, जिसके लिए कि हम लोग कभी एनमार्ट की शॉपी पे या मॉल में जाते थे। आपको ये सब चीजें इसलिए भी दी जा रही हैं कि आपको सुविधा रहे, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, जिससे कि आपका जीवन भी बहुत ज्यादा सुकून भरा होगा, और साथ ही आपको एनमार्ट से रिलेटेड सारी जानकारियां इस ऐप के थ्रू आपके मोबाइल में ही मिलती रहेंगी। मित्रों, हमारी मोबाइल ऐप का एक बहुत खास फीचर है लाइव चैट। जी हाँ मित्रों, आप इस लाइव चैट के फीचर के माध्यम से कंपनी से सीधे जुड़ सकते हैं, और आपके कोई भी सवाल, आपके कोई भी डाउट्स या फिर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, तो आप सीधे लाइव चैट के थ्रू कंपनी से कम्युनिकेट कर सकते हैं।
साथ ही अगर आपको कोई अपडेट्स भी अगर आप अपनी तरफ से डालना चाहें तो आप लाइव चैट में डाल सकते हैं। ये सारी चैट्स फिल्टर होकर हमारे सीएम ऋषि गोपाल जी के पास पहुंचती हैं और फिर वो उन सभी चीज़ों का निदान करते हैं जो कि उनके पास क्वेरीज आई हुई हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस लाइव चैट फीचर का भी पूरा पूरा उपयोग करें तथा आपकी कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हों तो आप कंपनी तक ज़रूर पहुँचाएँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी कंपनी की सारी अपडेट्स आपको हमारे ब्लॉग से मिलती रहती हैं और जो लोग ब्लॉग पे नहीं जा पाते वो इस प्रोग्राम के माध्यम से दूसरी अपडेट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आपसे यही कहना है कि आप इस प्रोग्राम के साथ बने रहिए और देखते रहिए इस नए चैनल पर, इस नए समय पर उस प्रोग्राम को जिस प्रोग्राम का नाम है सफर एंड मार्ट का। प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्रांत प्रांत को जोड़ा है, हर सरहद को तोड़ा है। प्यारा है हर मजहब का एनमार्ट है। सुबह है एनमार्ट आमचा आहे। एनमार्ट एनमार्ट हम सबका, हर एक दिल में रहता है, सांस सांस में बहता है, संग रहता है पहर पहर। एनमार्ट शुद्ध छे आमादे हम सबके विश्वास का दर्पण एक एहसास का, सबकी आंख का तारा छे एनमार्ट हमारो छे। पहचान है ये, दुनिया नहीं बता दी।